सो हे गाइज, दिस इज ऋतुजा एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग कैसे सुधारे, लिखावट कैसे सुधारे, इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स या जो भी तौर तरीके हैं वो बताने वाली हूँ। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है बट यू डोंट टीच अस हाउ टू राइट लाइक यू। तो यार, इस वीडियो में हम इस बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। दिक्कत ये है कि अच्छी हैंडराइटिंग होने की वजह से आपको एग्जाम में 2 से 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या नहीं, ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन गंदी हैंडराइटिंग आई तो कटेंगे जरूर। वैसे भी अच्छे हैंडराइटिंग होने के कई प्रोन्स है, प्लस पॉइंट्स है। आपकी अच्छी हैंडराइटिंग देखकर आपके माँ बाप को भी अच्छा लगता है और आप भी काफ़ी अच्छा महसूस करते हो। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो और आप उसे अच्छा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अच्छी हैंडराइटिंग मतलब सामने वाले को आपकी हैंडराइटिंग देखने में आसानी हो और आपकी भी अच्छी हैंडराइटिंग के साथ साथ एक अच्छा स्पीड हो। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हर एक बच्चे की अपनी अपनी यूनिक हैंडराइटिंग स्टाइल होती है, तो आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग स्टाइल है आप उसे ही कंटिन्यू कीजिए, उसे ही बरकरार रखिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें किसी और की हैंडराइटिंग पसंद आई तो उनकी तरह हैंडराइटिंग निकालने की कोशिश करते हैं, और वैसे हैंडराइटिंग नहीं आई तो फिर बाद में डीमोटिवेट हो जाते और जो प्रेजेंट में हैंडराइटिंग है उसे भी बिगाड़ देते। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग स्टाइल है उसे ही बरकरार रखें। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन चेंजेस जो भी लाने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये था पहला पॉइंट। तो दूसरी बात ये है राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस। ये हैंडराइटिंग के बेसिक्स हैं और मैंने इनके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जाकर जरूर देखिए। तो हमारी जो ये वर्णमाला, 12 खड़ी मूलाक्षरे या फिर अल्फाबेट्स, ये इन्हीं राइटिंग स्ट्रोक्स को मिलजुल कर बने हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ कि इन राइटिंग स्ट्रोक्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे लिखिए, बाद में इनके ऊपर आपकी अच्छी तरह से पकड़ आई तो आप समय के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। बट शुरुआत स्लोली कीजिए, बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तीसरी बात यह है वर्णमाला, मूलाक्षरे, 12 खड़ी या फिर अल्फाबेट, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप एक काम कर सकते हो, एक पन्ने पे अतेज्ञ, असे, ज्ञ तक या फिर ए टू जेड अल्फाबेट लिख सकते हो, क्योंकि हर एक बच्चे के 4 से 5 लेटर अक्षर गंदे होते हैं। तो आपके जो भी लेटर्स अक्षर गंदे हैं उनको फाइंड आउट कीजिए और उनको पकड़ के उनकी प्रैक्टिस करने में लग जाइए। इससे आपके हैंडराइटिंग का जो बेसिक फाउंडेशन है उसमें परफेक्शन आए। चौथी बात ये है पेन को आप आगे पीछे ऊपर नीचे आपके कंफर्ट के हिसाब से आप जैसे भी पकड़ते हो वैसे पकड़ो। हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्टाइल होती है, कोई ऐसे पकड़ता है तो कोई ऐसे पकड़ता है। बस ये बात ध्यान में रखो कि इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होना जरूरी है, ज़्यादा आगे भी नहीं और ज़्यादा पीछे भी नहीं, कम्फर्टेबल। काफ़ी बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हो या फिर हम कौन सा पेन यूज़ करें, कौन सा पेन अच्छा है। तो यार, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि पेन चाहे 5 का हो या 10 का, 2 से 3 रुपीस का हो या फिर 100-200 का, जेल हो, बॉल हो या फिर इंक, ये पेन आपके हैंडराइटिंग पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि आपका मूड। अगर आप भी ऐसे पर्सन हो जो आपके हैंडराइटिंग को आपके मूड के हिसाब से चेंज करते रहते हो, तो यार शुरुआत में ये बात ध्यान में रखो कि आपका मूड आपके हैंडराइटिंग पे इम्पैक्ट डाले ही ना, आदत डाल लो। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो यही प्रैक्टिस आगे चल के आपकी एक अच्छी आदत बनेगी, और एक बार आपकी अच्छी आदत बनी तो आपका मूड चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो आपके हैंडराइटिंग पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। और एक बार आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हुई तो आप कौन सा पेन यूज करते हो ये इतना मैटर नहीं करता। तो इसीलिए जो भी आपका फेवरेट पेन हो, लिखने में आपको कंफर्टेबल हो और जिससे अच्छी इंक भी फ्लो होती हो, बस पेन स्मज ना करें। क्योंकि यार काफ़ी पेन ऐसे होते हैं जो हर एक लेटर अक्षर के बाद ऐसे अंत में कुछ धब्बे डालते हैं, तो ऐसा पेन ना हो। बस शुरुआत में एक ही कंपनी का पेन इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। सो एनीवेज, कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, पांचवी बात, स्लैंट्स। काफ़ी बच्चे तो स्ट्रेट स्लैंट्स में ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप राइट स्लैंट्स में लिखते हो तो पूरे हैंडराइटिंग में वैसे ही निकालें, अगर लेफ्ट स्लैंट्स में लिखते हो तो पूरे हैंडराइटिंग में वैसे ही होने चाहिए, फिर उनमें टेढ़े मेढ़े स्लैंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, रफार, ये अक्षरों से छोटे दिखने चाहिए और अक्षर इनसे बड़ा होना चाहिए। मात्रा देने की हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अगर आप ऐसे मात्रा देते हो तो सारे हैंडराइटिंग में ऐसे ही निकालें, अगर ऐसे देते हो तो ऐसे। अक्षरों के ऊपर की शीर्ष रेशा सीधी ही निकालिए,
क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे निकलते हैं या फिर अक्षरों के बीच में से निकलते हैं, तो वो सीधे निकलने की कोशिश करो। कुछ गिने चुने शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी बच्चे इन स्टाइल में निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही निकालते हो तो तब शीर्ष रेशा देते वक्त आप ऐसी दे सकते हो, लेकिन बाकी समय शीर्ष रेशा सीधी ही निकालिए, क्योंकि ये भी आपके हैंडराइटिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। अक्षरों की साइज सामान्य ही रखिए, इससे आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और देखने में अच्छी लगेगी और समझने में भी आसानी होगी। अगर आपने ज़्यादा कम की तो इससे भी समझने में दिक्कतें आएगी, और काफ़ी बड़ी अक्षरों की साइज़ रखी तो निकालने में काफ़ी देर भी लग सकती है, तो इसलिए अक्षरों की साइज सामान्य ही रखिए। अक्षरों की साइज समान रखिए, उनकी हाइट भी कंसिस्टेंस होनी चाहिए, अक्षरों के बीच में भी एक अच्छी स्पेसिंग होना जरूरी है, और ज़्यादा चिपका चिपका के भी अच्छे नहीं लगते। वैसे ही दो शब्दों के बीच में भी एक अच्छी स्पेसिंग होना जरूरी है, ज़्यादा कम भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती, मीडियम रखिए। तो अक्षरों के बीच में भी ऐसी मीडियम स्पेसिंग रखिए। तो ऐसी और भी कई बातें जो आप सिर्फ देखकर सीख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट बाय जस्ट वॉचिंग, क्योंकि कभी कभी आपको जो आप लिख रहे हो उसे रोकना होगा और बस जो आप लिख रहे हो उस पर एक नज़र डालनी पड़ेगी और ये ढूंढ निकालना होगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और उनके और सही एक्शंस लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा काम आने वाला है। यहाँ पे आप किसी और की अच्छी हैंडराइटिंग भी देख सकते हो या फिर मेरे हैंडराइटिंग के ट्यूटोरियल्स, जिनसे कि आप आपके हैंडराइटिंग में जो भी गलतियाँ आप कर रहे हो वो खुद ढूंढ निकाल सकते हो और उनमें बदलाव ला सकते हो, क्योंकि बदलाव लाना जरूरी है। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, कुछ भी, अगर ऐसे अजीबो अमीर एक्सक्यूजेस हो गए आपके पास तो आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरने वाली। क्योंकि यार हम बचपन से हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसलिए हमें हैंडराइटिंग के प्रति फोकस रहना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़े एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, बाद में ये सब वर्थ इट है। एग्जाम में भी आपके हैंडराइटिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। एक अच्छे हैंडराइटिंग के साथ साथ एक अच्छा स्पीड होना भी उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो राइटिंग गई तेल लेने, बस जितना याद है उतना लिख जाए बस, ऐसी सिचुएशन होती है कभी कभी एग्जाम में। वैसे कई फैक्टर्स मैटर करते हैं, आपका टाइम कितना बचा है, आपको कितने आंसर्स याद है, आपका मूड कैसा है, एग्जाम में माहौल कैसा है, और ऐसे वक्त आपने जो पहले प्रैक्टिस की है वो काम आती है। तो इसलिए एक अच्छे हैंडराइटिंग के साथ साथ अच्छा स्पीड बनाने की भी प्रैक्टिस करो। तो गाइज, ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है, इससे भी पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन ये पहला वॉइस ओवर वीडियो है तो इसलिए मैं काफ़ी नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो के बारे में कुछ प्रोज कॉन्स हो तो वो भी कॉमेंट करके बताओ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कसकर प्रैक्टिस कीजिए और याद रखें, लाएंगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, थोड़ी देर जरूर लग सकती है मगर हैंडराइटिंग भी सुधर सकती है।